हाय फ्रेंड्स, एंड कंडेंसड मैटर के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। नेक्स्ट पार्ट में इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे? ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या होती है? ये होती है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर, या फिर आप इसको इस तरह भी कह सकते हो लॉस की फॉर्म में कि पावर डिलीवर्ड पर फेज डिवाइडेड बाय पावर डिलीवर्ड पर फेज प्लस लाइन लॉसेज, और अगर पर फेज की बात है तो पर फेज 200। अब देखिए पावर डिलीवर्ड पर फेज कितना, वी आर आई आर कॉस फाइव आर डिवाइडेड बाई पावर डिलीवर्ड पर फेज, वही चीज ये आई आर कॉस फाइव आर प्लस लाइन लॉसेज। देखो लाइन में लॉस जो होते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, वो होते हैं केवल और केवल मात्र आपके आई स्क्वायर आर लॉसेज। क्या होते हैं? आई स्क्वायर आर लॉसेज ही आपके लॉसेज होते हैं। अब यहाँ पे अपन को आई स्क्वायर आर लिखना है इसमें, तो रेजिस्टेंस चूंकि आर है इसलिए आई स्क्वायर आर ले दी। अब आई कौन सा, इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना अपन को कि आई कौन सा। आई वो लिखना है जो उस रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा होगा। अब आप इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से देख सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस में बहने वाला करंट कौन होगा, ये वाला, ये वाला मतलब आई एस। तो आप इसको आई एस लिखोगे और आई एस की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखी है यहाँ से, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आप इसको निकाल करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं इनटू 100%। ये ट्रांसमिशन एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी। ठीक है, अब अपन इसका एक और करते हैं, इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि फेजर डायग्राम बनाना जरूरी है एग्जाम में। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको फेजर डायग्राम बनाने के लिए भी होगा। तो सीधा सा सिंपल गणित कि किसी को बेस लेंगे, बेस यहाँ पे अपन ने लिया है किसको, वोल्टेज को, वोल्टेज को बेस लिया है तो वोल्टेज को अपन बेस ले लेते हैं। कौन से वोल्टेज को? रिसीविंग एंड के वोल्टेज को, बाकी चीज़ें सब इसके रेस्पेक्ट में ड्रॉ करती हैं। उसके बाद क्या करना है अपन को, उसके बाद है आपके पास करंट को, करंट कौन सी करंट, रिसीविंग एंड, रिसीविंग एंड करंट आई आर कितने एंगल से, फाइव आर एंगल से लैग करती हुई है। ठीक है, फिर कौन सी करंट, फिर है आपके पास करंट कैपेसिटर में बहने वाली करंट। तो कैपेसिटर में बहने वाली करंट होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रही होती है, मतलब आपका वोल्टेज ये है तो करंट क्या होगी, करंट इस तरह से होगी, लेकिन करंट को करंट के फेजर के साथ ही ऐड होगा। तो या अगर अपन इसको इस डायरेक्शन वाली करंट को इसमें ऐड करेंगे तो वो बन जाएगी आपकी इस तरह से, बिल्कुल देखो 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री नहीं लेनी, इससे 90 डिग्री वाला फेजर आपको यहाँ पे बना देना है। तो ये हो जाएगा आपका आईसी। ठीक है, आईसी। अब देखो दो करंट थी आपके पास, आईआर और आईसी। अब आपने क्या किया था यहाँ पे, आपने इन दोनों का रिजल्टेंट कौन था, आईआर पर इक्विवेलेंट सर्किट से अगर आप देखोगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है, इन दोनों का रिजल्टेंट है आई एस, सेंडिंग एंड करंट। ठीक है, सेंडिंग एंड करंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं फेजर में करते हैं। तो वी आर में कौन ऐड होगा, वी आर में ऐड होगा आपके पास कौन ऐड होगा, वी आर में ऐड होगा आपका आई एस जेड। तो आई एस जेड क्या है, ये सब ऐड होंगे इसमें। ठीक है, अगर आप इसको आई एस के रेस्पेक्ट में देखो तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, आई एस इसको आर प्लस जे एक्स। ठीक है, आई एस की डायरेक्शन उठानी है आप। ठीक है, तो आई एस की डायरेक्शन ये आ गई, इसमें जोड़ दिया आपने क्या, आई एस आर, और इससे 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज वो हो जाएगा आई एस एक्स, और ये जो रिजल्टेंट है ये कौन हो जाएगा महोदय, वी सेंडिंग एंड वोल्टेज, और ये जो एंगल होगा ये होगा आपका फाइव एस, जिससे आप
cos phi s करके सेंडिंग एंड पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका इस मेथड से फेजर डायग्राम बनाने का एंड कंडीशनल मेथड से, ठीक है।